दोस्तों, कुदरत के रहस्यों को आज तक कोई नहीं समझ पाया है और ना ही शायद कभी समझ पाएंगे। प्रकृति ने हमारी पृथ्वी को बेशुमार खूबसूरत और रोमांच चीजें प्रदान की है जो दुनिया भर में हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, उन्हीं में से एक कैनो क्रिस्टल नदी। वैसे तो दुनिया में बहुत सी खूबसूरत नदियां हैं, लेकिन कैनो क्रिस्टल एक ऐसी नदी है जो मौसम के साथ साथ रंग भी बदलती है। इस नदी का नाम है कैनो क्रिस्टल। कैनो क्रिस्टल नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के मैकरेना इलाके में बहती है। यही नदी आगे जाकर गवाया बेरा नामक बड़ी नदी में मिल जाती है। दोस्तों, कैनो क्रिस्टल नदी का रंग हर समय बदलता रहता है, कभी पीला तो कभी हरा, कभी कभी लाल हो जाता है, कभी नीला, कभी काला भी हो जाता है। इसीलिए इसे रिवर ऑफ फाइव कलर्स भी कहा जाता है। इस नदी को लिक्विड रेनबो के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी प्रकृति की एक अनूठी कला है जो हर किसी को आश्चर्यचकित कर देती है। कैनो क्रिस्टल नदी की लंबाई 100 किलोमीटर है, वहीं इसकी चौड़ाई 20 मीटर है। दोस्तों, कैनो क्रिस्टल नदी का क्या कारण है रंग बदलने का? कुछ लोग नदी को देखकर ये सोचते हैं कि नदी का रंग किसी शैवला या काई के कारण बदल जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। दरअसल इस कैनो क्रिस्टल नदी में मैकरेनिया क्लेविगेरा नामक एक पौधा है जिसके कारण इसका रंग बदलता रहता है। इस पौधे को अगर निश्चित जल या निश्चित सूरज की रोशनी मिलती रहे तो इसका रंग हल्का या फिर गहरा होता रहता है। दोस्तों, ज्यादातर दिनों में इस नदी का रंग गहरा गुलाबी या गहरा लाल होता है। कभी कभी इसका रंग नीला, पीला, नारंगी या हरा हो जाता है। कब बदलता है नदी का रंग? कैनो क्रिस्टल नदी के रंग के बदलने की प्रक्रिया जून से लेकर नवंबर के बीच कुछ सप्ताह में दिखती है। ये प्राकृतिक पौधे का खूबसूरत नज़ारा अद्भुत है। ऐतिहासिक रूप से इस नदी को विश्व की सबसे खूबसूरत नदी कहा जाता है। नेशनल जियोग्राफी के अनुसार ये गार्डन ऑफ एडन यानी देवताओं की नगरी में स्थित है। यहाँ पर बड़े संख्या में लोग घूमने आते हैं। प्रकृति की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए यहाँ कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे ग्रुप में 7 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते और एक दिन में 200 से ज़्यादा लोग इस क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। थैंक यू।